सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सहाफी बरादरी की जानिब से एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, सखर और नवाबशाह में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर एहतमाम आजादी सहाफत के तहफ्फुज़ और मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर हमला करार देते हुए मुल्क में आजादी सहाफत को यकीनी बनाने और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सियालकोट में भी जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफी बरादरी के जेर एहतमाम अल्लामा इकबाल चौक पर मुजाहरा किया गया और कचेरी रोड तक रैली भी निकाली गई। मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून, अंजुमन ताजरान समेत सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फारूक घुम्मन ने कहा कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी असल में मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। गुजरांवाला में आजादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सहाफियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में PFUJ और JUJ के अहदेदारान समेत दीगर सहाफियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सखर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में रोड़ी, साहलेपट समेत दीगर इलाकों से भी सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफियों के तहफ्फुज़ और आजादी सहाफत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लियाकतबाद में सहाफी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।